हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू समदरिया स्कूल ई-लर्निंग चैनल। सो वी आर गोइंग टू स्टडी कम्यूटेटिव इंग्लिश क्लास 6। द बुक हैज बीन रिटन बाय शिल्पी मित्तल, एडिटेड बाय श्राव्या तायल एंड पब्लिश्ड बाय मायरा बुक्स। This is the content of the book which we have to study in our whole year. It consists of 17 chapters. Today our target is to read out chapter 2, The Portrait of a Lady. In this story, the writer has tried to show the feelings and care of a lady for her grandson with the irony of generation gap. According to the writer, this is his own childhood story, and in the story he tried to show a good relationship with his grandmother. He declared that both of them were good friends. It means they understand each other very well. लेखक अपने बचपन की यादों को ताजा करते हुए बताता है कि वो और उसकी दादी एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। In the first para, the writer described the early days of his life when he lived in a village with his grandmother. She used to wake him early in the morning, helped him to get ready for school, preparing breakfast and lunch for him. लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बताता है कि जब वो एक गांव में रहता था अपनी दादी जी के साथ, तो दादी उसको सुबह उठाती थी और उसको स्कूल जाने के लिए तैयार होने में मदद करती थी, उनको नहलाती थी और ब्रेकफास्ट बनाती थी, लंच बनाती थी। मीन्स एक तरीके से उनके बचपन की उनकी दादी पूरी केयर करती थी। आफ्टर द ब्रेकफास्ट हिज दादी टुक सम ऑफ द चपातीज विथ हरसेल्फ। His grandmother always went to temple which is attached to his school. In school, the writer reads alphabet and in temple, his grandmother reads scriptures. And when they both had finished, they would walk back together. There on the road, she gave chapati to the street dogs. नाश्ते के बाद जब रोटियां बच जाती थीं, तो उन रोटियों को दादी जी अपने साथ लेकर निकलती थीं। दोनों लोग साथ में जाते थे। राइटर अपने स्कूल में चला जाता था जहां पे वो अल्फाबेट सीखता था, और दादी मंदिर में जाती थीं जहां पे वो शास्त्र की किताबें पढ़ा करती थीं। When his parents comfortably settled in the city, they called them. There he joined a school. There were no street dogs in the city and his grandmother could not come school with him. So she feed sparrow in the courtyard of the house. जब राइटर के पेरेंट्स शहर में सेटल होने के बाद उन लोगों को गांव से बुलाते हैं, किनको? राइटर को और उनकी बूढ़ी दादी को। तो वो लोग शहर जाते हैं और वहां पे जाकर राइटर एक नए स्कूल में एडमिशन लेता है। उस शहर में सड़कों पे कोई कुत्ते नहीं टहलते थे और ना ही उसकी दादी माँ उसके साथ स्कूल जा सकती थी। पर दादी माँ ने शहर में पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दिया, क्योंकि गांव में तो वो कुत्तों को रोटी खिलाती थी, पर शहर में कुत्ते नहीं मिलते थे, तो उन्होंने स्पैरोज मतलब गौरैया को दाना खिलाना शुरू कर दिया। As time passed, their bond became weaker and weaker. She didn't like the Western knowledge he was gaining over the Indian spiritual and moral values. This made her feel unhappy. स्कूल में पढ़ाई करने की वजह से लेखक गांव की तुलना में शहर में एक व्यस्त जिंदगी व्यतीत करने लगा। पाश्चात्य विज्ञान की पढ़ाई ने और अपनी मातृभाषा की जगह अंग्रेजी को वरीयता देने की वजह से उनको उदास कर दिया, जबकि वह चाहती थी कि मुझे ईश्वर और भारतीय दर्शन की शिक्षा मिले। और यह सब सोच सोच कर अब वह बहुत परेशान रहने लगी थी।
And when I went to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrow. It used to be a happiest half hour of the day for her. जब मैं विश्वविद्यालय पढ़ने गया, वहाँ पे मुझे मेरा खुद का कमरा मिला, पर जो मेरी दादी के साथ मेरी यादें थीं और जो मेरी दादी जी के साथ मेरा साथ था, वो अब छूट सा गया था। मेरा साथ छूटने के बाद वह बिल्कुल अकेले हो गई थीं और वह दिन भर चरखे पे बैठी रहती थीं। बड़ी मुश्किल से ही किसी काम के लिए या किसी से बात करने के लिए वह उठा करती थीं। सुबह से शाम तक वह चरखे पे रहती थीं। दोपहर को आधे एक घंटे के लिए वह आराम करने के लिए उठती थीं और उसी समय वो स्पैरो को दाना डालती थीं। शायद वह उनकी ज़िंदगी के कुछ आधे एक घंटे बहुत ही खुशनुमा बीता करते होंगे जब वो स्पैरो को दाना डालती होंगी, क्योंकि तब वो अकेला महसूस नहीं करती होंगी। When he decided to go abroad for further studies, he was sure his grandmother would be upset when he went to a railway station to leave the city. His grandmother came with him. He hugged at the moment she was reciting prayer and then she kissed her forehead. It was the last physical contact between them. और जब लेखक अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने लगा तो उसको पता था कि उसकी दादी बहुत ही उदास होंगी। जब उनको पता चलेगा कि मैं 5 साल के लिए उनसे बहुत दूर जा रहा हूँ, ये जानते हुए भी कि मैं उनसे दूर जा रहा हूँ, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। जिस समय उन्होंने मुझे गले लगाया तो मैं सुन सकता था कि वो अपनी प्रार्थना कर रही हैं, एंड जब वो मेरे फोरहेड पे किस की तो वो मेरा और उनका लास्ट फिजिकल कांटेक्ट था जो मुझे महसूस हुआ, क्योंकि मुझे चिंता थी कि मेरे जाने के बाद वो कैसे रहेंगी और क्या मैं जब आऊँगा तो वो मुझसे मिल भी पाएंगी कि नहीं। इन सारी बातों को सोचते हुए मैं विदेश गया, वहां अपनी पढ़ाई पूरी की। After the 5 years of study, when he came back, she did not look a day older. She was happy. She clasped him in her arm. He could hear the reciting prayer. In evening, she collected women from neighborhood, got an old drum and started to sing, which were used to sing during the welcome of warriors. Even on the first day of my arrival, her happiest moment were with her sparrows, whom she feed longer. 5 साल के बाद जब मैं अपनी पढ़ाई करके घर वापस आया तो उस दिन वह बहुत खुश थी। उन्होंने मोहल्लों की औरतों को इकट्ठा किया, एक ढोलक कहीं से ढूंढी और गाना बजाना शुरू कर दिया, जैसे कि किसी योद्धा का स्वागत हो रहा हो। और जिस दिन मैं वापस आया, उस दिन भी उनका सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट उन्हीं स्पैरोस के साथ बीता जिनको उन्होंने कुछ ज़्यादा ही घंटे तक खाना खिलाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। इट वॉज अ मिल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, बट माई ग्रैंड मदर thought differently. She told us that her time ends and she was not going to waste any more time talking to us. लेखक बताना चाहता है कि वह इतनी खुश थी कि उन्होंने गाना बजाना किया, काफी मेहनत किया और अगले दिन वह बीमार पड़ गई। डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने कहा कि उनको थोड़ा सा बुखार है जो कुछ समय बाद चला जाएगा, पर उनको ये लग रहा था कि अब उनका अंतिम क्षण करीब है, वह आखिरी सांसें ले रही हैं।
She laid peacefully and praying and telling her beads. And then she left the word, her lips stopped and rosary fell from her lifeless fingers. और फिर वह शांति से आराम से एक जगह लेटी हुई थी, प्रेइंग कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, अपने माला को गिन रही थी जो माला उनके हाथ में थी, और फिर अचानक वह यह दुनिया छोड़कर चली गई। उनके जो होंठ प्रेयर कर रहे थे अब रुक चुके थे, उनके जो हाथ में माला थी, रोजरी थी, वह हाथों की बेजान उंगलियों से गिर गई थी। So now we are moving to the last para. In the last para of the story, writer has tried to explain the sorrowful conditions of the house. Sun was setting and lit her room and veranda with a blaze of golden light. Sparrows sat in silence and they didn't eat the pieces of bread after the funeral. In the next morning, sweeper swept the bread into dustbin. लेखक ने आखिरी पैराग्राफ में स्टोरी के एक मार्मिक चित्रण किया है, घर की दशा को बताया है, पक्षियों की दशा को बताने की कोशिश की है जब उसकी दादी यह दुनिया छोड़कर चली गई। और जब शाम का वक्त हुआ तो जो सूरज की रोशनी थी, उस रोशनी की वजह से जो दादी जी का कमरा था और जो घर का बरामदा था वह स्वर्ण रंग से हल्का हल्का रंगा हुआ पता चल रहा था, जैसे कि स्वर्ण की किसी आभा, किसी रोशनी ने पूरे वरांदा और कमरे को घेर रखा हो। स्पैरोज जो थी उनको ब्रेड का टुकड़ा तोड़ के डाला गया मगर उन्होंने ब्रेड का टुकड़ा नहीं खाया, वो शांत बैठे हुए थे, वो हिले भी नहीं जरा सा। फिर शाम के वक्त वह उड़कर चले गए बिना ब्रेड खाए हुए, और अगले दिन स्वीपर ने आकर उसको डस्टबिन में बटोर कर डाल दिया। इस तरीके से कहानी का अंत हुआ। वी हैव कंप्लीटेड द स्टोरी, द समरी ऑफ द स्टोरी। नाउ वी आर मूविंग टू वर्ड मीनिंग। मोनोटोनस, लैकिंग इन वेरिएशन इन टोन और पिच, मतलब एक ही आवाज में बोलते जाना। स्क्रिप्चर्स, लर्निंग विथ होली बुक्स, पवित्र किताबों के थ्रू पढ़ना या उनको याद करना, मंत्रों को याद करना। ग्रोलिंग, से समथिंग इन अ लो ग्रैंटिंग वॉइस। कोर्टयार्ड, वन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ लार्ज हाउस। डिस्ट्रेस्ड, सफरिंग फ्रॉम सॉरो। चेरिस्ड, कीपिंग कोर्ट इन सच अ डिवोशन। परसुएड, ruining as a result of age a string of beads. Crude, not yet processed. Cemented, dispose of by burning it too. Crumbs, a small fragment of breads. Now moving to questions. Question 1 A. Question A, take the correct option. Question 1 is, my grandmother and I were good. Option A, friends. Second, grandmother carries several dash chapatis. So answer is stale. B. Third, grandmother dash moved in prayer. Her mind was lost in prayer. So answer is lips. B. Now moving to question C, fill in the blanks. Question 1, grandmother used to wake me up in dash and get me ready. So answer is morning. Second, the priest taught us the dash and dash for dash. So answer is alphabet. The second dash is proper. Sorry, it's prayer for dash. Means this is morning. So alphabet, prayer, morning. These are the three answers of the question second. Question 3. Grandmother took to feed in the courtyard of our city house. There are two fill in the blanks. ये जो in the blank है, ये वाला, ये misprint है. So आप इसको cut कर सकते हैं. केवल एक ही fill up करना है इसमें. और वो है courtyard. Fourth,
she was dash. That verb was no teaching about dash and dash in the city school. So answers are distressed, God and sculptures. Question fifth. The common link of friendship was dash when narrator was given a room of his own. So answer is snapped. So in this way we have completed our exercises. It's your homework to do all these exercises. I will check after the lockdown when the school will open. So stay in home, stay safe. Thank you.